नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि थुजा ऑक्सीडेंटलिस को इस्तेमाल करते समय कौन कौन सी ऐसी गलतियां हम करते हैं जिसकी वजह से हमें इसके अच्छे परिणाम नहीं मिलते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील गढ़वाल, होम्योपैथी फिजिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, ओनर फाउंडर गढ़वाल होम्योपैथी। दोस्तों, थुजा एक ग्रेट एंटी साइकोटिक मेडिसिन है। जब भी हमारे शरीर में कोई भी सेल्स इकट्ठी होती हैं तो या तो वो नॉन कैंसरस ट्यूमर बनाती हैं, बेनाइन ट्यूमर बनाती हैं, लाइपोमा, वाट्स, पोलिप या कोई भी सिस्टिक ट्यूमर बनाती हैं। इसको हम बोलते हैं साइकोटिक ग्रोथ। और इस साइकोटिक ग्रोथ को ठीक करने के लिए जो दवा इस्तेमाल में आती है उसको हम बोलते हैं एंटी साइकोटिक मेडिसिन। दोस्तों, साइकोटिक ग्रोथ होना आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर 2 में से 1% में आपको साइकोटिक ग्रोथ मिल जाएगी, चाहे वो वाट्स हो, चाहे वो सिस्ट हो, बॉडी के कोई पार्ट में सिस्ट हो सकती है, कहीं भी ट्यूमर हो सकता है, कहीं भी लाइपोमा हो सकता है, कहीं भी तिल हो सकता है, नेवी हो सकता है। तो किसी भी तरह की अगर ओवरग्रोथ हो जाए तो उसको हम बोलते हैं साइकोटिक ओवरग्रोथ, और ये होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसलिए थुजा का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि हमारे पास जब ट्रीटमेंट का ऑप्शन आता है तो हमारे पास 2 ही ट्रीटमेंट होते हैं, या तो हम इस चीज़ की सर्जरी करवा लें या हम इसका होम्योपैथी ट्रीटमेंट करवा लें। और होम्योपैथी में जब कहीं से गूगल से या यूट्यूब से आप सर्च करते हैं तो आपके ऊपर सबसे आपके पास सबसे जो ग्रेट टॉप में जो मेडिसिन आती है वो होती है थुजा। इसलिए थुजा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं। होता क्या है दोस्तों कि आपने कहीं YouTube से, कहीं और सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन से आपने थुजा ली और उसका इस्तेमाल कर लिया, चाहे वो टॉपिकल किया, चाहे आपने एक्सटर्नल किया, चाहे इंटरनल किया, चाहे मदर टिंचर के रूम में किया, चाहे आपने उसको थुजा को पोटेंसी में यूज़ किया, या आपने कोई क्रीम ऑइंटमेंट लगा के उसको अप्लाई किया और आपको उसके रिजल्ट नहीं मिले, तो आप क्या सोचोगे कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बेकार है, ये काम नहीं करती दवा। लेकिन ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के अपने एक सिद्धांत है। अगर आप उन सिद्धांत के हिसाब से आप उस दवा को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेगी। आप अपने खुद के सिद्धांत अपने हिसाब से नहीं बना सकते। जो सिद्धांत है उसके हिसाब से अगर आप उस दवा को यूज़ करोगे तो आपको रिजल्ट बेहतरीन मिलेंगे। तो थुजा को इस्तेमाल करते समय कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हम करते हैं जिसकी वजह से हमें क्या है कि अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। उसमें सबसे पहली गलती क्या है दोस्तों, वो है हमारी पावर। कि अगर थुजा को आप लो पावर में यूज़ करते हैं, जैसे हम ज़्यादातर क्या है लो पावर में थुजा को 30 का एक डल्यूशन लिया हमने मार्केट से और उसको 1 बूंद सुबह टपका ली, 2 बूंद सुबह या 2 बूंद शाम को हम लगातार ले रहे हैं 2-3 महीने तक सुबह शाम। इससे क्या होता है, क्योंकि थुजा दोस्तों ग्रेट एंटी साइकोटिक और डीप एक्टिंग मेडिसिन है। थुजा की जो एक डोज है 30 पावर की या 200 पावर की, वो 1 महीने तक काम करती है। अगर आप 1 mm पावर देखें तो वो कम से कम 3 महीने तक काम करती है। और बार बार रिपीटेशन की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और फिर वो दवा क्या करती है दोस्तों, हमें अपना एक्शन नहीं दिखाती, जिसकी वजह से हम थोड़ा निराश हो जाते हैं कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति काम नहीं करती। ऐसा नहीं है दोस्तों, होम्योपैथी दवा की जब भी हम एक डोज किसी पेशेंट को देते हैं तो वो क्या करती है, हमारी इम्यूनिटी को, हमारे वाइटल फोर्स को जाके स्टिमुलेट कर देती है, पुश कर देती है थोड़ा सा। उसकी वजह से क्या है, फिर इम्यूनिटी धीरे धीरे काम करती रहती है और जो भी हमारी बॉडी के अंदर ओवर ग्रोथ हुई है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ है, उसको वो क्या करती है, धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। दोस्तों, इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि आपने खो खो गेम के बारे में सुना होगा या देखा होगा। उसमें क्या होता है कि हम जब भी अपने साथी को पुश करते हैं तो पुश करने के बाद वो अपने ओपोनेंट के पीछे भागता है। वो तब तक पीछे भागता रहेगा जब तक या तो वो उसको पकड़ ना ले या वो थक ना जाए। जैसे वो थकता है, उसका सांस फूलने लगता है, तो वो दूसरे अपने साथी को पुश करता है, फिर वो उस ओपोनेंट के पीछे भागता है। ये गेम दोस्तों चलती रहती है। ऐसा ही होम्योपैथी के अंदर होता है कि जब भी आपने किसी पर्सन को एक डोज दी, एक डोज तक से क्या होगा, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, थोड़ी बढ़ जाएगी, स्टिमुलेट हो जाएगी, फिर वो इम्यूनिटी धीरे धीरे काम करती रहती है, उस बीमारी को ख़त्म करती रहती है। और जैसे ही वो इम्यूनिटी थोड़ी कम होने लगती है फिर हम फिर एक से पुश देते हैं, 1 mm पावर का या 200 पावर का हमने एक और पुश दिया, तो फिर वो इम्यूनिटी 1-2 महीने तक काम करती रहेगी। और इसी तरह से हमारी जो बीमारी है वो धीरे धीरे ठीक होती है। होम्योपैथी का दोस्तों सिद्धांत है कि हम दवा को मिनिमम डोज के अंदर और मिनिमम रिपीटेशन के अंदर देंगे तभी हमें उसके मैक्सिमम रिजल्ट मिलते हैं। अगर हम किसी भी दवा को ओवरयूज़ करते हैं तो हमें उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों टॉपिकल एप्लीकेशन के बारे में। बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि जब भी हमने थुजा की क्रीम यूज़ कर ली है, हमने थुजा का मदर टिंचर हमारे स्किन के ऊपर या कहीं वाट्स के ऊपर अप्लाई कर लिया और हमें रिजल्ट नहीं मिला तो हमें थुजा को इंटरनल लेने की क्या जरूरत है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरनल मेडिसिन अपना काम अलग करती है, अंदर से ठीक करती है वो, और जो एक्सटर्नल मेडिसिन है, जो टॉपिकल एप्लीकेशन है, जो मदर टिंचर है, वो अपना काम बाहर से करते हैं। इसलिए ये एक मिथ है कि आप इंटरनल थुजा न लें या एक्सटर्नल आपने अप्लाई कर लिया तो, एक्सटर्नल मेडिसिन अप्लाई कर लिया तो इंटरनल की क्या जरूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों हमने सीखी कि हमने किसी भी दवा को बिना किसी डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना है। हमें कम से कम दवाई खानी है, कम से कम हमें किसी भी मेडिसिन की डोज को रिपीट करना है। दूसरी बात दोस्तों,
कोई भी अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे आप 30 ले रहे हैं, 200 ले रहे हैं, अगर आपने सोच लिया कि मुझे घर पे ही लेना है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है उस मेडिसिन की, तो आप उसको डाइल्यूट करके लीजिए। डाइल्यूट करने से क्या होता है, उसकी जो पावर है वो और बढ़ जाती है। जैसे आपने 30 या 200 मेडिसिन ली, 200 पावर की मेडिसिन ली, आपको क्या करना है, उसकी एक ड्रॉप एक चौथाई कप पानी के अंदर डालनी है। एक चौथाई कप पानी के अंदर डालने से वो डाइल्यूट हो जाती है। डाइल्यूट होने के बाद पोटेंसी जो है, वो जो भी डाइल्यूशन है, वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है। बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि जीभ के ऊपर एक मुंह टपका ली, अल्कोहल का टेस्ट बहुत अच्छा आ गया, तो अभी वो नर्व्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर बहुत सुपरफास्ट तरीके से काम करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। होम्योपैथी मेडिसिन जितनी ज़्यादा डाइल्यूट हो जाती है, वो उतनी ही अच्छे तरीके से काम करती है। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको कुछ बेनिफिट मिला है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए। और जो भी लोग होम्योपैथी दवा को इस्तेमाल करते हैं, जो भी आपके साथी हैं, रिलेटिव हैं, आप उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए, ताकि उन लोगों को भी पता लग सके कि होम्योपैथी दवा को इस्तेमाल करने के कुछ फंडामेंटल्स और कुछ रूल्स होते हैं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल उठता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, किसी भी बीमारी के बारे में, तो आपको एक स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पर आप मैसेज करके मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।